मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव करवाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने ऐलान करते हुए बताया कि राज्य से यूटी बने जेके में करीब 13,000 पंचायत की सीटें खाली हैं। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पहली बार यहां किसी राजनीतिक गतिविधि का ऐलान किया गया है। आयोग ने खाली पड़े पंच सरपंचों के पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसी के साथ गुरुवार से यहाँ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। ये उपचुनाव 8 चरणों में करवाए जाएंगे। आयोग ने बताया कि प्रदेश में सरपंच की 1,011 सीटें खाली हैं। पहले चरण का मतदान 5 मार्च को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 20 मार्च को। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था।